हेलो स्टूडेंट, वार्म वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। हियर इज क्वेश्चन फ्रॉम NTSE दिल्ली 2012-13। क्वेश्चन इज द सम ऑफ ऑल टू डिजिट नंबर्स ईच ऑफ विच लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5 इज। सो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ऐसी नंबरों का सम निकालना है जो कि 5 से डिविजिबल हों और 3 रिमाइंडर देती हों। तो सबसे पहले हमें देखना है कि टू डिजिट की कौन कौन सी नंबर हैं। तो टू डिजिट की नंबर 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक रहती है। ओके, अब हमें 5 से डिविजिबल नंबर देखनी है और 3 रिमाइंडर देखना है। तो 5 2 10, अगर 3 रिमाइंडर देखना है तो 10 प्लस 3 यानी हमारा फर्स्ट नंबर होगी 13। उसके बाद हमारी होगी 5 ऐड करेंगे तो 18, फिर 5 ऐड करेंगे तो 23। इस तरह से हमारी नंबर चलती जाएंगी और लास्ट में होगा हमारा 5 से 98। तो 5 बन जा 5 और 5 8 जा 5 9 जा 45 और 3 रिमाइंडर होगा। तो इस तरह से 3 रिमाइंडर देने वाली नंबर्स होंगी 13 18 23 up to 8 98। तो यहाँ पर हमारे पास है a = 13 और d = है हमारे पास 18 - 13 = 5। ओके, नाउ द लास्ट टर्म एल इज 98, सो वी फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सो TL = a + n - 1 × d। हियर TL इज 98, a इज 13, n - 1 × d इज 5। सो 98 - 13 = n - 1 × 5। सो दिस इज 8 - 3 = 5 एंड 9 - 1 दिस इज 8 85 अपॉन 5 = n - 1। सो दिस इज 17 = n - 5 n - 1 n = 17 + 1 = 18। ओके, सो द नंबर ऑफ टर्म विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड गिव रिमाइंडर 3 आर 18। सो सम ऑफ दीज टर्म SN = 18y2 ny2 2a a is 13, n - 1 is 18 - 1 × d d is 5। सो 9 2 18 एंड दिस इज 26 प्लस 18 - 1 17 × 5। सो 9 26, this is 17 5 85 5 9 × 5 6 11 8 to 10 11, so 9 9 9 is the sum of the term or sum of the number which is divisible by 5 and give remainder 3. So the answer of this question is found in option B. So student, in this way we solve this problem. I hope you got it. If you like this video, please subscribe the channel and share it to your friends. Thanks for watching.